कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो पूरी मानव सभ्यता को दूर तक प्रभावित करेगी। 21 सदी का इतिहास भविष्य में जो लिखा जाएगा वो मेरे ख्याल से कोरोना के पहले का समय और कोरोना के बाद का समय इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि कोरोना के पहले की मानव सभ्यता और कोरोना के पश्चात की मानव सभ्यता, उसके आचार विचार, उनकी राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियाँ, उनका सोच काफ़ी कुछ बदलेगा, समाज बदलेगा, न केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का। सबसे बड़ी बात जो होगी मेरे ख्याल से वो ये होगी कि मनुष्य का मनुष्य पर से संदेह बढ़ेगा। मनुष्य मूलतः एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और पूरे मनुष्य समाज को, उसकी सभ्यता और संस्कृति को हमने इसी आधार पर खड़ा किया है, लेकिन कोरोना ने इसी को डेंट कर दिया है। अगर इसकी सही दवा नहीं मिली, वैक्सीन सही समय पर नहीं आया, तो आप मान कर चलिए कि ये संदेह का ये भाव है ये बढ़ता चला जाएगा, तो समूची मानवता के लिए हानिकारक होगा। रहा सवाल भारत का, तो भारत में कई समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। उससे सबसे गंभीर समस्या जो मैं मानता हूँ वो ये है कि जो प्रवासी मजदूरों की समस्या है, इस जल्दी कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा, वरना इस देश में बहुत बड़ी उथल पुथल मचने वाली है। धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।